सकता है जब तक विशुद्धता सात्विक न हो जाए। उसी तरह से भगवान पाकर के भगवान के प्रति अपने को छोड़ करके साथ सदा सर्वदा कर उनको जोड़ दे नहीं देंगे, भगवान के साथ वंदनीयता नहीं मिलेगी, यानी आप पूजा के पात्र नहीं बन सकते, वंदना के पात्र नहीं बन सकते। हाँ, भगवान के साथ आप रह सकते हैं। जहां कृष्ण का प्राय मूर्ति फोटो देखेंगे आपको दिखाई देगा रथ है, और गीता का उपदेश देखेंगे उपदेश देते हुए राम कृष्ण के साथ साथ अर्जुन रहते हैं। लेकिन और रही चीज कि कृष्ण अर्जुन मात्र का मंदिर और पूजा हो, ऐसा इसलिए नहीं होगा कि अर्जुन केवल कृष्ण के नहीं थे, वो द्रौपदी और सुभद्रा के भी थे। और भगवान अनन्य भक्ति पसंद करता है, अनन्य भक्ति, व्यभिचारी भक्ति नहीं। और जो अनन्य भक्त होगा वही मंदिर का पात्र बनेगा। हनुमान ने अपने को आदमी अंजनी जैसे माता को भी त्याग दिया उस अवस्था में, प्रधानमंत्री के पद को ठोकर मार दिया सुग्रीव के आगे होने वाले थे, और दासत्व तो स्वीकार कर ले, जोड़ दिया अपने को राम से, तब आज मंदिर के पात्र बन रहे हैं। जोड़ दीजिए, जो कोई जोड़ देगा मंदिर का पात्र हो जाएगा। मंदिर में आज जटायु का फोटो मिलेगा, जटायु की मूर्ति मिलेगी, एक धनुष बन बगल में रख करके मूर्ति बना दीजिए, हाथ में गिद्ध को गर्दन लटका दीजिए, क्या कहा जाएगा, जटायु है जटायु। एक मंदिर बना दीजिए उसमें कौआ बना करके रख दीजिए, दाना वाना कुछ रख दीजिए, क्या कहा जाए, कार घुसुन दीजिए, कार घुसुन दीजिए, इन लोगों का मंदिर बनेगा। गृहस्थ परिवार में इस निंदनीयता में जुड़े रहने वाले का मंदिर का पात्र नहीं बनेगा। इतना ही उसके लिए बहुत काफी है कि भगवत लीला में भगवत नानी के कार्य में वो पात्र बन जा रहा है, भगवान उसको साथ दे दे रहे हैं, सहयोग दे दे रहे हैं, यही बहुत काफी है उसके लिए।